हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं एमपीपीएससी 2017 के प्रारंभिक परीक्षा के फर्स्ट पेपर के बारे में। तो चलिए आइए हम देखते हैं। 100 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, 200 नंबर का रहता है और 2 घंटे समय रहता है इसके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो ए ऑप्शन सही है इसमें, तुगलक। आपको बता दें गयासुद्दीन तुगलक भी इसे कहा जाता है। इसका कार्यकाल रहा है 1320 से 1325 तक, और इस तुगलकाबाद नगर बसाया था इसने। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है एलेक्जेंडर कनिंगम। ए ऑप्शन सही है इसमें। इसका 1861 में स्थापना की थी इसने। तीसरा देखते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? तो डी ऑप्शन है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। आपको यहाँ बता दें, सती प्रथा पर सर्वप्रथम विरोध इन्हीं ने किया था, राजा राम मोहन राय ने, और इन्हीं के कारण 1829 में विलियम बेंटिक ने रोक लगाई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में इन्हीं ने की थी, और आत्मीय सभा भी बोला जाता है ब्रह्म समाज को, पहले 1815 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अब चौथा देख लेते हैं हम क्वेश्चन। 1909 का अधिनियम संबंधित था? तो ए ऑप्शन सही है, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। पांच पर देखते हैं, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो बी ऑप्शन सही है, जयचंद को। चलिए छठवा देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो ए ऑप्शन है इसमें खिलजी। इसने किया था 1290 से 1320 तक। इसके खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। सातवां देखते हैं, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना है? तो सी ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी मुंबई में। इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे ब्योमचंद बनर्जी। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो बी ऑप्शन सही है इसमें, अबुल कलाम आजाद। चलिए अब हम देखते हैं नौवां, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? तो सी ऑप्शन है 1881, और सर्वप्रथम जनगणना 1872 में मेयो के लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। 1881 से लॉर्ड रिपन के काल से लगातार नियमित जनगणना हुई। अब दसवां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से जिसने द्वितीय मुगल विजय सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो डी ऑप्शन है इसमें, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिया था, और महादेव देसाई ने लिया, प्यारेलाल नेहरू ने लिया, मदन मोहन मालवीय ने लिया। आपको यहाँ बता दें कि अम्बेडकर जी ने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। फर्स्ट गोल में सम्मेलन हमारा 12 नवंबर 1930 को हुआ, दूसरा 5 मार्च 1931 को, और दिसंबर 1932 में तीसरा हुआ था। ग्यारहवा देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो इराक, सी ऑप्शन है इसमें, अजरबैजान बनाता है, ईरान बनाता है, कजाकिस्तान बनाता है। बारहवा क्वेश्चन देख लेते हैं, कयाल क्या है? तो डी ऑप्शन है केरल की लैंगून है। डी ऑप्शन सही है इसमें। तेरहवा देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो सी ऑप्शन है इसमें, इंसेल वर्ग हिमनद से संबंधित नहीं है, और केनियन नदी से संबंधित है, जीवजन वायु से संबंधित है, मोरेन हिमनद से संबंधित है। चौदहवा देख लेते हैं, स्टॉम्बोली एक है? तो बी ऑप्शन है इसमें, जागृत ज्वालामुखी। पंद्रहवा देख लेते हैं, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो बी ऑप्शन सही है इसमें, 1974 में। ये 30 नवंबर 1972 में संसद में प्रस्तुत हुआ, और 23 मार्च 1976 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी, और 26 मार्च 1974 से पूरे देश में लागू हुआ। अब हम 16वां देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है? तो सी ऑप्शन है 382। सही है सी ऑप्शन। यहाँ आपको बता दें कि फर्स्ट जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउंडेन थे, और अभी 15वीं जो हुई है इसके थे सी चंदमौली। और हमारे भारत का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार 940,
सबसे ज्यादा स्टेट में है, राज्य में, केरल का 1084 और हरियाणा का है 878, 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों। चलिए हम 17वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो डी ऑप्शन है नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट केरल में है। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संप्रदाय मैदान संबंधित है, तो डी ऑप्शन सही है, नदी से। 19वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान क्षेत्र है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन इसमें सही है। 20वां देख लेते हैं। राम तनुरा तेल शोधन शाला कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन है, सऊदी अरब में। अब 21वां देखते हैं। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो बी ऑप्शन है, पेपेवर सोमनीफेरम, बी ऑप्शन सही है। अब 22वां देख लेते हैं। विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ था? तो बी ऑप्शन इसमें सही है, 1980 में। यहाँ बता दें, ये विषाणु जनित रोग है चेचक, और ये बेरी वाला विषाणु वायरस के कारण होता है। और वो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम की थी 1796 में। अब 23वां देखते हैं। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज है, तो डी ऑप्शन इसमें सही है, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। अब 24वां देखते हैं। पौधों में अर्धशुष्की विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन है? तो सी ऑप्शन सही है, पराग कोष। 25वां देखते हैं। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, तो ए ऑप्शन सही है, ठोस में। 26वां देखते हैं। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो डी ऑप्शन है, दृष्टिपटल, रेटिना पर। 27वां देखते हैं। मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है? तो सी ऑप्शन है, एक्स एक्सकीसन, सी ऑप्शन सही है। 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पोटोजुआ द्वारा होता है? तो डी ऑप्शन सही है, मलेरिया। 29वां देखते हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है? तो सी ऑप्शन है, गैस एवं द्रव में। 30वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो विटामिन ए, मैकुलन ने खोज की थी इसकी, विटामिन बी की मैकुलन ने की, विटामिन सी की जेम्स लेंड ने, और विटामिन डी की हमारी हॉक कैंक्स ने की थी खोज। आपको बता दें कि विटामिन ए रेटिनल बोला जाता है, इससे रतौंधी रोग इसकी कमी से होता है, और विटामिन बी को थायमिन बोला जाता है, इससे बेरी बेरी इसकी कमी से रोग होता है, और सी को स्कर्विक अम्ल बोला जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और डी को कॉल्सीफेरल बोला जाता है, इसकी इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। चलिए अब हम 31वां क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर से, ए ऑप्शन सही है। 32वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक लिप्य कैंड के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट, बी ऑप्शन सही है। 33वां देखते हैं। हास गैस है, तो बी ऑप्शन है, नाइट्रिक्स ऑक्साइड। चलिए अब 34वां देखते हैं। तड़ित बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है? तो बी ऑप्शन है, विद्युत ऊर्जा। 35वां देखते हैं। जम्मू कश्मीर की 8 वर्षीय तजामुल इस्लाम के किस खेल से संबंधित है? बी ऑप्शन है, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, बी ऑप्शन सही है। 36वां देखते हैं। इनमें से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था? तो ए ऑप्शन समीर दाद थे। पारसी क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई? तो क्रिकेट, सी ऑप्शन सही है। 38 देख लेते हैं। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में है, और इंदौर में नेहरू अभय खेल ऊषा राजे स्टेडियम है, और भोपाल में ऐशबाग तात्या टोपे स्टेडियम है। अब 39वां देख लेते हैं। अमिताभ विजय वर्गीय किस खेल से संबंधित है? तो सी ऑप्शन है, क्रिकेट। 40वां देखते हैं। 1987 में किस खेले गए क्रिकेट विश्व कप का क्या नाम था? रिलायंस कप, ए ऑप्शन सही है। 41वां देखते हैं। सचिन तेंदुलकर को अर्जुन अवार्ड पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये बी ऑप्शन सही है, 1994। 42वां, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो डी ऑप्शन है, 1930 में। 43वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष में कभी भी विजेता नहीं रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया नहीं रहा है। भारत ने 2007 में विश्व कप T20 विश्व कप जीता था क्रिकेट,
इंग्लैंड ने 2010 में और पाकिस्तान ने 2009 में। चलिए अब 44वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष का ओलंपिक लंदन में नहीं हुआ? तो डी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है दोस्तों, 1968 का नहीं हुआ। 45वां देखते हैं, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है कहते हैं? सी ऑप्शन सही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस। 46वां, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो बी ऑप्शन है, गूगल एप्स नहीं है। ओपेरा ब्राउजर है, विवाल्डी ब्राउजर है, मोजिला फायरबॉक्स भी ब्राउजर है। 47वां देख लेते हैं, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में केकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो ए ऑप्शन सही है, ब्लैक हैट हैकर्स। अपन अब देख लेते हैं 48वां, डक गो है एक सर्च इंजन है, ये ऑप्शन सही। 49वां, ईथरनेट एक उदाहरण है, तो बी ऑप्शन सही है, लैन का। 50वां देख लेते हैं, मॉडेम परिवर्तित करता है, तो सी ऑप्शन है, दोनों ए बी, एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में और डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में। 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो सी ऑप्शन सही है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अब 52 देख लेते हैं, WW का आविष्कार कौन है, आविष्कारक कौन है? तो बी ऑप्शन टिम वर्शनली। आपको यह बताएं, चलिए अब देखते हैं 53वां, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है, गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि? सी ऑप्शन सही है, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है। 54 देखते हैं, मांडू में स्थित जंतर मंतर महल का निर्माण किसने किया था, किस शासक ने किया था? तो ये MPSC ने हटा दिया था इसे। चलिए अब 55वां देख लेते हैं, आइनी उल मुल्क मुल्तानी ने इसमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो इल्तुतमिश, डी ऑप्शन है इसमें, फिरोज तुगलक के कार्यकाल में रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक का और अलाउद्दीन खिलजी के अधीन सेवा की है। चलिए 56वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सम्मिलित नहीं है? तो ये स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति जोहान श्नाइडर अम्मान ये सही है, मैक्सिको का राष्ट्रपति एनरिन पैना नीटो है, सी ऑप्शन नाबीबिया का राष्ट्रपति हेग गिनोवो है, डी ऑप्शन गलत है, OTD आइवरी का राष्ट्रपति एंजेला मार्केल नहीं है। ठीक है, 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? तो अजंता महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन सही है। अब 58 देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, सी ऑप्शन सही है। 59 देखते हैं, इनमें से वह प्रथम नेता कौन है जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो सी ऑप्शन सही है, NM लोखंडी। 60 देखते हैं, जो रूट किस खेल से संबंधित है? तो ए ऑप्शन सही है, क्रिकेट। 61 देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिकोव जुमा से जुलाई 2016 में मिले थे? तो डी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं जिकोब जुमा। 62 देख लेते, फुटबॉल के मोहन बागान क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सी ऑप्शन है, 1889। 63 देखते हैं, मई 2016 में निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ताइवान, ए ऑप्शन सही। 64 देखते हैं, 2016 के फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो बी ऑप्शन है, गोवाक जोकोविक। चलिए हम 65वां देखते हैं, मनोहर आइच को पॉली पॉकेट हर्क्यूलिस कहा जाता है? डी ऑप्शन है, बॉन्डी बिल्डर। 66वां देख लेते हैं, रंजीत सब बन और बहादुर सब बन क्या है? तो सी ऑप्शन है, धान की दो नई किस्म। 67 देख लेते हैं, मई 2016 में रोडिंगो ड्यूटेरस टेरट किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो डी ऑप्शन सही है, फिलीपींस। 68वां देखते हैं, 27 मई 2016 को ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की शपथ किसने दिलवाई? तो बी ऑप्शन सही है, केसरीनाथ त्रिपाठी। 69 देखते हैं, स्टेट डाटा सेंटर SDC
प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य बनाया तो हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन सही। 17वां देख ले, 70 देखते हैं। 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार सरकार बनाई, तो असम है, ए ऑप्शन सही है। 71 देख लेते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान था होशंगाबाद, सही है, डी ऑप्शन सुनील लांबा। 72 देखते हैं, सुनील लांबा तो भारत के 23वें नौसेना प्रमुख, सी ऑप्शन सही है। 73 देखते हैं, जून 2016 में इनमें से किन्हें विश्व के सबसे बड़े व्यावसायिक संगठन इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुना है, तो डी ऑप्शन सुनील भारती मित्तल, डी ऑप्शन सही है। अब 74 देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई, तो बी ऑप्शन सही है, 1955 में, 1 जुलाई 1955 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 75 देखते हैं, दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त BS बस्सी को मई 2016 में किस पद पर नियुक्त किया गया, तो डी ऑप्शन सही है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। 76 देखते हैं, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मई 2016 में निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की थी, तो चीन, सी ऑप्शन सही है। 77 देखते हैं, सानिया मिर्जा के मिक्स्ड डबल्स का पार्टनर इवान डोडी किस देश का, तो डी ऑप्शन है, कोसिया। 78 देखते हैं, सोहेल सेठ की उस पुस्तक का नाम क्या है जिसका विमोचन जून 2016 में लंदन में हुआ था, तो ए सही है, मंत्रा फॉर सक्सेस। 79 देखते हैं, खजुराहो मंदिर में से चोरी हुई उस प्रतिमा का क्या नाम था जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा था, तो डी ऑप्शन है, पेरेड लेडी। 80 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, तो मेघदूतम है, कुमार संभव है, ऋतु संहारम है, उत्तरा रामचरित नहीं है दोस्तों, उत्तरा रामचरित भवभूति ने लिखी थी, सी ऑप्शन है इसमें। 81 मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ है, तो डी ऑप्शन है, ग्वालियर में है। 82 देखते हैं, एक बंद अर्थव्यवस्था हुआ अर्थव्यवस्था है जिसमें, डी ऑप्शन सही है, ना निर्यात और ना ही आयात होता है। 83 देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, 2012 से 2017 का इस समावेशी विकास पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी। 84 देखते हैं, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया, तो ए ऑप्शन सही है, SP गुप्ता समिति द्वारा। 85 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सम्मिलित नहीं है, तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1957, डी ऑप्शन सही गलत है अपना, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है, डी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं, 86 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सी ऑप्शन सही है, एक केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। चलिए 87 देखते हैं, 2016 में हुई भारत जिम्बाब्वे एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया, तो डी ऑप्शन है, KL राहुल। 88 देखते हैं, IPL 9 2016 का फाइनल मैच किस राज्य के स्टेडियम में खेला गया था, तो ए ऑप्शन सही है, कर्नाटक में। 89 देखते हैं, रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो बी ऑप्शन सही है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। 90 देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो झाबुआ, सी ऑप्शन सही है। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद में हुई थी। 91 बाद देखते हैं, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था, तो उपेंद्र थे, मुंज थे, उदय थे, सी ऑप्शन नहीं है, गंगेदेव नहीं थे। चलिए 92 देख लेते हैं, धंगदेव किस वंश का संस्थापक था, तो जिजाक गुप्ति के चंदेल, ए ऑप्शन सही है। 93 बाद देखते हैं, हबीब तनवर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ, तो ए ऑप्शन है, रायपुर। इनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1923 में और इनकी मृत्यु हुई 8 जून 2009 में, भोपाल में हुई थी इनकी मृत्यु। 94 देखते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है, तो ए ऑप्शन सही है, 14। इसकी बता दोस्तों, STSC एक्ट 1989 में 11 सितंबर 1989 को पारित हुआ, 30
जनवरी 1990 को लागू हुआ। इसमें 5 अध्याय हैं, 23 धाराएं हैं, और ये पूरे भारत में लागू होता है, बस जम्मू कश्मीर को छोड़ के, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। 95वां देख लेते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? तो डी ऑप्शन सही है, 90, वो 30 30, सॉरी दोस्तों 30, डी ऑप्शन सही है। 96वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ए ऑप्शन सही है, ऐतरेय ब्राह्मण। 57 देख लेते हैं, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो जिसके अध्यक्ष थे विजय केलकर, ए ऑप्शन सही है। 1 जुलाई 2016 से जीएसटी लागू किया गया और जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अब 98वां देख लेते हैं, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में, सी ऑप्शन सही है। 99वें, राज्य एवं और केंद्र सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है? तो ए ऑप्शन है, भारत के संविधान से। 100वां लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? तो डी ऑप्शन सही है, मजदूर संघ के। चलिए दोस्तों, आज हमने 2017 का एमपीपीएससी का पेपर देख लिया, अगले लेक्चर में हम 2018 का एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, तो यहीं ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर।